हेलो फ्रेंड्स, स्नेहा कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जासर फुल फिश फ्राई की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है। खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप बार बार यही रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। तो इसे हम बनाने के लिए, ये फिश को हमने अच्छे से बाहर से ही मार्केट से कटवा कर ले लिया है और इसे हमने लाइनिंग लाइनिंग करवा लिया है ताकि इसमें मसाला अच्छा से चला जाए, और इसे हमने अच्छे से धोकर ले लिया है। अब हम चलते हैं, मसाला ले लेते हैं। इसमें क्या क्या मैरिनेशन लगेगा, ये हमने लिया है 1 स्पून अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट, ये 1/4 हम लेंगे लाल मिर्च, तीखा वाला है ये, और ये 1/4 स्पून हम लेंगे काली मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून हम ले लेंगे हल्दी, 1/2 स्पून लेंगे जीरा पाउडर, 1/2 स्पून हम लेंगे धनिया पाउडर, 1/2 स्पून लेंगे हम कश्मीरी रेड चिली, इससे बस कलर आएगा, तीखा नहीं होगा, और 1 स्पून हम लेंगे इसमें नींबू का रस, और इसमें हम डाल लेंगे 1 स्पून सरसों का तेल, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल लेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पूरा फिश पे इसी तरह से लगा लेते हैं। इसे अंदर तक लगाना है ताकि अच्छे से मसाला इसके अंदर तक चला जाए। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम लगा लेते हैं। तो इसे अच्छे से पूरा फिश पे हम लगा लेते हैं। इसी तरह से अंदर भी हम लगा लेंगे ताकि मसाला अच्छे से अंदर भी चला जाए। इसे हमने अच्छे से मैरिनेशन कर दिया है और इसे 1 घंटा के लिए ढककर हम रख देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें सारा मसाला चला जाए। तो इसे हम 1 घंटा के बाद मिलते हैं। तो ये देखिए, 1 घंटा हो गया है हमें मैरिनेशन किए हुए। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने एक कढ़ाही चढ़ा लिया है। कढ़ाही थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा फिश थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी मेरा कढ़ाही थोड़ा छोटा ही पड़ गया। तो ये हमने कढ़ाही को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डाल लेंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। आप इसके जगह कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग में, लेकिन फिश या फिर नॉनवेज में जितना हो सके आप मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करिए तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और ये तेल डालने के बाद हमें अच्छे से गर्म कर लेना है, और ये जो मैरिनेशन करके हमने फिश रखा है इसे हम इसी में डाल लेंगे। आप इसे बड़े से तवा पर भी फ्राई कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसानी होगा, लेकिन मेरे पास ना ही बड़ा तवा है ना ही ज़्यादा बड़ा कढ़ाई था, तो मैंने इसी में बनाने का ट्राई किया है। और एक तरफ से अच्छे से गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। अगर जिधर मछली का पार्ट नहीं जा रहा है तो उधर थोड़ा सा कढ़ाई को टेढ़ा करके आप हाई फ्लेम पर करके उसे भून सकते हैं, ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो ये देखिए, एक तरफ से हमने फ्राई कर लिया है। अब इसे हम एक स्पैचुला से इसे पलट लेंगे। अगर तवा पे होता है तो पलटने में बहुत ही आसानी से पलट सकते हैं आप, लेकिन ये कढ़ाई है ना, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है। तो इसे देखिए, हमने अच्छे से एक तरफ फ्राई होने के बाद पलट लिया है, और इसे दूसरी तरफ से भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमने दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लिया है, और इसे हम अब एक केले के पत्ते पे निकाल रहे हैं। आप इसे प्लेट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो केला का पत्ता पे निकालने के बाद ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, तो इसीलिए हमने केले के पत्ते पे सर्व किया है। और इसे हम एक ओनियन को रिंग की तरफ काट लिया है, और इसे
हम गार्निश कर लिए हैं। और एक हमने थोड़ा छोटा छोटा नींबू का टुकड़ा लिया है और धनिया के पत्ते से गार्निश कर लिया है। देखने में देखिए कितना ही लाजवाब लग रहा है और ये बनाना कितना ही झटपट बनकर रेडी हो गया। ये 5 मिनट में बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारा न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है, ये बहुत ही टेस्टी बना है। इसे आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं या फिर रोटी या पराठे के साथ भी, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको हमारा रेसिपी कैसा लगा। आपका कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।